हेलो एवरीवन, इस वीडियो में 3 पीस प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग और उसकी स्टिचिंग करूंगी। लाइनिंग ली है 10 सेंटीमीटर, मेन फैब्रिक है 1 मीटर। कटिंग हमें पेपर पर करनी है। पेपर को 2 फोल्ड में रखना है। फ्रंट और बैक दोनों ही पार्ट को एक साथ में कट करेंगे। टोटल लेंथ है 14 इंच। 2 इंच प्लेस करना है मार्जिन का, क्योंकि हमें फ्रंट और बैक दोनों पर ही बेल्ट लगानी है। सेंटर से आई और हुक की पट्टी का मार्जिन लेना है 0.3 इंच। शोल्डर के लिए मार्किंग करनी है। डीप नेक के अकॉर्डिंग शोल्डर लेना है 5.5 इंच पर। तो फ्रंट और बैक दोनों से ही डीप ब्लाउज है, तो इसलिए हमने शोल्डर लिया है 5.5 इंच। आर्म होल लेंगे 5.75 इंच। दोनों मार्किंग को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ कर लेनी है। यहाँ से हमें चेस्ट का 4th पार्ट लेना है। चेस्ट है 36 का 4th पार्ट 9 इंच पर मार्क करना है। 2 इंच लेना है एक्स्ट्रा मार्जिन। वेस्ट है 32 का 4th पार्ट 8 इंच पर मार्क करेंगे। 1 इंच लेना है वेक टक्स का। 2 इंच लेना है एक्स्ट्रा मार्जिन का। साइड पर लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब हमें फ्रंट पार्ट के लिए एक्स्ट्रा लेना है। नीचे की साइड पर 2 इंच, आर्म होल की साइड पर 0.75 इंच। दोनों मार्किंग को मिलाएंगे और 1 इंच से आर्म होल का शेप देना है। साइड का एक्स्ट्रा पेपर कट कर लेना है। और सेंटर से भी दोनों ही पार्ट को अलग कर लेना है। इसमें से हमें किसी भी एक पेपर को बैक पार्ट की साइज में बनाना है। तो ऊपर की साइड वाले पेपर को उठाएंगे और साइड पर जो एक्स्ट्रा लिया है उसे कट कर लेंगे, क्योंकि ये मार्जिन हमें फ्रंट पार्ट पर ही लेना था। बैक ओपन पर है तो आई और हुक की पट्टी का मार्जिन हमें रखना है। नेक की विड्थ के लिए मार्किंग करनी है 2.5 इंच पर, और लेंथ के लिए मार्किंग करेंगे 11 इंच पर। दोनों ही साइड से मार्किंग करते हुए लाइन ड्रॉ करेंगे। और अब हमें यहाँ पर कर्व वी शेप ड्रॉ कर लेना है। नीचे से हमें 2.5 इंच पर मार्क करना है। और स्ट्रेट में लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब हमें यहाँ से देखिए आई और हुक की पट्टी का मार्जिन छोड़ते हुए मार्किंग लेनी है 4.5 इंच पर, और वेल्ट के लिए राउंड शेप देना है। कटिंग करनी है तो सबसे पहले हम बेल्ट को कट करेंगे। यहाँ से हमें बेल्ट को स्ट्रेट में ही रखना है। तो यहाँ पर एक डिज़ाइन भी क्रिएट होगी बनने के बाद। नेक को भी कट कर लेंगे। दोनों ही बैक के पार्ट हैं। फ्रंट पार्ट को कट करना है तो यहाँ पर जो आई और हुक की पट्टी का मार्जिन लिया था स्ट्रेट में लाइन ड्रॉ कर लेनी है 0.3 इंच पर, और इसे कट कर लेना है, क्योंकि फ्रंट से ये पार्ट ओपन नहीं रहेगा। नीचे की साइड से बेल्ट के लिए मार्किंग करनी है 2.5 इंच पर, और स्ट्रेट में लाइन ड्रॉ कर लेनी है। यहाँ से प्रेसेस कट पार्ट के लिए मार्किंग करेंगे 3.5 इंच पर। ऊपर से टक्स पॉइंट लेंगे 10.5 इंच पर। 10.5 इंच पर मार्क करेंगे और लाइन ड्रॉ करेंगे। और अब हमें टक्स पॉइंट को मिलाना है आर्म होल से। टक्स की विड्थ की मार्किंग करनी है 1.75 इंच पर, और इस तरीके से प्रिंसेस कट का शेप देना है। तो देखिए जो कर्व में लाइन है उसे इस तरीके से मेजर करेंगे तो आ रहा है 3.5 इंच। तो स्ट्रेट वाली लाइन को भी हमें 3.5 इंच पर कर लेना है नीचे की साइड से बढ़ाकर। बेल्ट के लिए राउंड शेप देना है तो 1 इंच पर मार्क करेंगे और इस तरीके से बेल्ट के लिए राउंड शेप देंगे। तो नीचे की साइड पर जो बेल्ट है उसे हमें अलग से कट करना है।
नेक की विड्थ के लिए मार्किंग करनी है 2.5 इंच पर, और लेंथ के लिए मार्किंग करनी है, टोटली लेंथ ले लेनी है जहाँ तक बेल्ट है वहाँ तक। यहाँ पर हमें विड्थ की और मार्किंग करनी है 2.5 इंच पर, विड्थ में मार्किंग करेंगे। यहाँ तक स्ट्रेट रखना है, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। उसके बाद हमें कर्वी शेप ड्रॉ कर लेना है। एक मार्किंग और करेंगे नेक की, लेंथ के लिए मार्किंग करेंगे 7 इंच पर और लाइन ड्रॉ कर लेंगे। हाफ इंच नेक को भी डाउन करेंगे और वेस्ट साइड पर हाफ इंच पर मार्किंग लेते हुए इसे हमें टक्स पॉइंट से मिलाना है और कटिंग करनी है। प्रेस स्कर्ट पार्ट को भी कट करेंगे और नेक को भी कट कर लेंगे। अब हमें बेल्ट की मार्किंग करनी है, तो वेस्ट का फोर्थ पार्ट लेना है 8 इंच, साइड पर एक्स्ट्रा लेना है 2.5 इंच, लेंथ लेनी है 2.5 इंच, नीचे की साइड से 2.5 इंच में मार्क करना है और लाइन ड्रॉ कर लेनी है स्ट्रेट में। यहाँ से भी मार्किंग को ड्रॉ कर लेंगे, 1 इंच पर मार्क करना है सेंटर पर और इस तरीके से बेल्ट के लिए राउंड शेप देना है। अब हमें बेल्ट को कट कर लेना है, तो पेपर पर कटिंग हो गई है। अब हमें इसे फैब्रिक पर कट करना है। सारे पार्ट फ्रंट के ही हैं, बैक आर्म होल को मेजर कर लेंगे। हाफ इंच शोल्डर पर स्टिचिंग का छोड़ते हुए आर्म होल आ रहा है 9.5 इंच। फैब्रिक को देखिए, लाइनिंग फैब्रिक को टू फोल्ड में रखना है और उसके ऊपर रखना है बैक पार्ट को। बैक पार्ट के अकॉर्डिंग एज इट इज मार्किंग कर लेनी है और इसी तरीके से बेल्ट को भी मार्क कर लेंगे। बैक पार्ट की कटिंग हो गई है, दोनों ही बैक के पार्ट हैं, फ्रंट पार्ट को कट करना है। तो फ्रंट पार्ट को भी एज इट इज ही कट करना है। पेपर कटिंग के अकॉर्डिंग हमें मार्किंग लेनी है, उसके बाद कटिंग कर लेनी है। फैब्रिक को टू फोल्ड में ही रखना है। तो ये फ्रंट के पार्ट हैं और बैक आर्म होल को मेजर करना है। एक बार मेजर किया था, फिर से कर लेते हैं। 9.5 इंच आ रहा है, तो फैब्रिक को फोर फोल्ड करना है 9.5 इंच पर विड्थ में। लेंथ के लिए मार्किंग करेंगे, यहाँ पर लेंथ है 16 इंच, तो 1.5 इंच प्लेस किया, 1.5 इंच प्लेस किया है मार्जिन का। फैब्रिक को फोर फोल्ड पर रखा है और यहाँ से हमें 3.5 इंच डाउन मार्क करना है ओपन साइड पर और इस तरीके से स्लीव का शेप देना है। फैब्रिक की जो ओपन साइड है वहाँ से मार्किंग करनी है 3.5 इंच पर, स्लीव का शेप दिया। स्लीव राउंड लेना है 5.5 इंच, मार्जिन लेना है 2 इंच। इस मार्किंग को आर्म होल से मिलाना है, स्लीव को कट कर लेना है। स्लीव को ओपन करेंगे, हाफ इंच अंदर से मार्क करते हुए फ्रंट आर्म होल को कट करेंगे। यहाँ पर हमें फ्रंट आर्म होल का कट करते हुए ध्यान रखना है, या तो फैब्रिक की राइट साइड अंदर को होनी चाहिए दोनों ही, या तो रोंग साइड अंदर को रखते हुए उसके बाद ही स्लीव की कटिंग करनी है। बाकी बचे फैब्रिक पर हमें फ्रंट और बैक पार्ट की कटिंग कर लेनी है। यहाँ पर हमें यह ध्यान रखना है कि जो फ्रंट का बेल्ट है उसे हमें फोल्ड साइड पर कट करना है। लाइनिंग फैब्रिक के अकॉर्डिंग कटिंग कर लेनी है। तो इस तरीके से सारे ही पार्ट की कटिंग कर ली है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।